जय हिंद, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर इंटेलिजेंस स्कूल। बहुत मज़ा आ रहा है, आप सब लोग मेरे वीडियोस को खूब लाइक कर रहे हैं, खूब क्वेश्चंस और सजेशंस आ रहे हैं, राइट? आज भी मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। कहते हैं ना, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। देखिए, मुझे कई बार लोगों ने कहा कि मैम तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए थर्मोमीटर है या डॉक्टर के पास जाकर चेक करा सकते हैं, पता है कि क्या करना है। लेकिन जब घर में फीलिंग्स ऊपर नीचे हो रही हो और छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, तो क्या करें? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ एक फीलिंग्स का थर्मोमीटर। और इस थर्मोमीटर को कौन यूज़ कर सकता है? छोटे बच्चों से लेकर घर के बड़े दादा दादी नाना नानी तक, टीचर्स, स्कूल काउंसलर्स, टीनेजर्स एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स। तो ये थर्मोमीटर सबके लिए बना है। इस थर्मोमीटर को समझने के लिए कुछ एक जोन समझने होंगे, तो चलिए मेरे साथ आप जुड़ें और हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पांच जोन्स के बारे में सबसे पहले आपसे बात करती हूँ, और ये पांच जोन्स आपको बताएंगे। छोटे बच्चों को समझाने के लिए मैं कई बार कलर्स का भी यूज़ कर लेती थी, ताकि बच्चों को आप कलर्स के साथ समझा पाएँ। तो सबसे पहला जोन, अगर मैं कलर के साथ भी करूँ तो शायद ईजी होगा, इसको हम एंगर जोन बोलते हैं, या बच्चों को समझाने के लिए मैं इसको रेड जोन करती थी। तो कैसा फील करते हैं इस एंगर जोन या रेड जोन के अंदर? चिल्लाने का मन कर रहा है, पैर पटकने का मन कर रहा है, बस ऐसा कर रहा है कि कुछ क्या करें एकदम से इस जोन से बाहर आने के लिए। नंबर एक, बिल्कुल विग्रस एक्सरसाइज का टाइम है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे एड्रेनलिन फ्लो हो रहा है, तो बिल्कुल एक्सरसाइज, विग्रस एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग करें। और अगर ऐसा ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो जाकर एक हल्का सा वार्म शावर ले लें, बॉडी को रिलैक्सेशन होगा, राइट? फ्रस्ट्रेशन, इसको हम ऑरेंज जोन भी बोलते हैं। फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, पता नहीं किसी ने कुछ कह दिया और बहुत अजीब सा लग रहा है, आर्ग्यूइंग, जिससे को जो भी कोई बात करेगा आर्ग्यूइंग करने का मन करेगा, क्या करें? देखिए, भगवान से प्रार्थना करें अपने अपने, या मेडिटेट करें, लेकिन इससे आसान तरीके भी हैं। आप घर में म्यूज़िक लगाकर अपना फेवरेट म्यूज़िक सुने। अगर ऐसा भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो जाइए एक अच्छी सी ब्रिस्क वॉक अच्छे से कराइए, आपको फ़ायदा होगा। फिर आता है येलो जोन, राइट? येलो जोन का मतलब बहुत चिंता हो रही है, रिजल्ट आने वाला है, कोई चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, आप सबको अवॉइड कर रहे हैं, बस दूर हट जाओ, फिर तो आप किसी को समझ नहीं आएगा मेरे अंदर क्या चल रहा है फीलिंग, ऐसा बहुत एंग्जाइटी की फीलिंग हो रही है आपको, क्या करें? फैमिली में बात करें। जब बिल्कुल बात करने का मन नहीं है, गो एंड टॉक टू समबडी इन द फैमिली, राइट? आप अपनी पांचों सेंसेस के ऊपर पे अटेंशन करें। अगर फैमिली में कोई नहीं है उस वक्त, ऑल फाइव सेंसेस के ऊपर अटेंशन पे करें, और जो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने अंदर अपनी फीलिंग को एंग्जाइटी के वक्त, आप उसको कंट्रोल करें। देखिए, फीलिंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और गुड फीलिंग से लेकर, जैसे मैंने बताया, बैड फीलिंग्स या एक्सट्रीम फीलिंग्स तक हो सकती हैं। फिर एक ग्रीन जोन होता है कि जहाँ पर हम लोग कहीं ना सैड, नेगेटिव, बहुत ही लोनली सा फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, और बहुत या तो रोने का जोर जोर से मन करता है, या बिल्कुल अपने आप को विड्रॉन हम फील कर रहे होते हैं, क्या करें इस वक्त? एक पॉजिटिव गोल सेट करने का टाइम है, इसका मतलब जल्दी से किसी भी का फ़ोन उठाएं और किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड को आप जल्दी से फ़ोन मिलाएं, बिल्कुल जैसे ही आपको एक फीलिंग आने लगे। एक जोन होता है जिसको हम ब्लू जोन या काम जोन बोलते हैं, इसके अंदर आपकी बॉडी, आप बहुत हैप्पी फील करते हैं, कंटेंटेड फील करते हैं, ऐसे में क्या करें? दूसरों की मदद करें, राइट? या आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने अपनी खुशी नोटिस कर ली है तो कोई बात नहीं, अपने इस पॉजिटिव मूड को यूज़ करिए और जल्दी से किसी एक एंजॉयबल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। देखिए, फीलिंग थर्मोमीटर क्या है, राइट? इसको आप बनाना भी सीख सकते हैं, बहुत ईजी है, अलग अलग कलर्स का यूज़ करके आप इसको बना लें। ये एक विजुअल टूल है, राइट? आपको दिखाई देता है ये थर्मोमीटर, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं हाउ टू यू आर डूइंग इमोशनली, राइट? एंड बच्चों को भी हम सिखा सकते हैं व्हाट आर देयर इमोशनल फीलिंग्स, सो दैट दे कैन डू बेटर, राइट? और ये हमको हमारी ही फीलिंग्स के लिए अवेयर करता है और हमारे बॉडी का इमोशनल टेम्परेचर चेक करता रहता है। क्या करें? जल्दी से एक फीलिंग थर्मोमीटर बनाएं और उसको रेफ्रिजरेटर के ऊपर चिपका दें, और टॉक करें वापस आपकी फीलिंग्स के बारे में। जैसे कि आप किन फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे, अगर आपके घर में कोई बहुत गुस्से हो रहा है तो बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाउ कैन वी हेल्प समबडी, राइट? द पर्सन इज इन रेड जोन, द पर्सन इज इन एंगर जोन, कैन वी हेल्प, राइट? सो मे बी द चाइल्ड अंडरस्टैंड ओके एंड हाउ वी कैन हेल्प। सो डिफरेंट कलर्स के ऊपर आप बात कर सकते हैं एंड यू कैन हेल्प। सो यू नो द चिल्ड्रन बिकम अवेयर एंड दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर ओन इमोशंस एंड फीलिंग्स, दे नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, दे ऑल्सो नो द सोल्यूशंस वॉट टू डू।
राइट, मैं कई बार बच्चों के साथ क्या करती थी कि जैसे जोन बनाया, और जोन बनाने के साथ क्योंकि हर बार बच्चा पढ़ पाए जरूरी नहीं है, तो उसके साथ कुछ एक्शन इमेजेस लगा देती थी कि जैसे विगरस एक्टिविटी, तो एकदम तेज भी बच्चे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आप अपना अपना फीलिंग थर्मोमीटर अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है घर में एक फीलिंग थर्मोमीटर का होना और बच्चों को इमोशंस एंड फीलिंग्स के बारे में बताना? इसलिए ज़रूरी है, ये जो छोटा बच्चा आज है ना, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और घर में अलग अलग लोगों की अलग अलग फीलिंग्स देख रहे हैं। अगर एक घर में चार लोग हैं, चारों की एक जैसी फीलिंग हो ज़रूरी नहीं है। आप अगर हैप्पी हैं तो कोई और दूसरा बहुत, कोई भी एंग्शियस हो सकता है या सैड हो सकता है, उसके अपने अपने कारण हो सकते हैं। सो ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्टार्ट टीचिंग द चिल्ड्रन अबाउट वेरियस इमोशंस एंड फीलिंग्स, एंड व्हेन दे आर इन अ पर्टिकुलर जोन या उस कलर के अंदर हैं तो वो क्या करें। आई एम श्योर आप इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर आप में से कोई फीलिंग थर्मोमीटर को यूज़ करता है ना, मुझे कमेंट्स में डालें। मेरे पास फर्स्ट 5 कमेंट्स को मैं नेक्स्ट अपने यूट्यूब वीडियो में मैं उनको शाउट आउट दूंगी, उनका नाम मैं अपने वीडियो में लेना चाहूँगी। तो मैं वेट कर रही हूँ कि आप में से कितने लोग फीलिंग थर्मोमीटर बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपने इसको यूज़ किया तो आपको क्या फ़ायदा हुआ। इसी के साथ मैं हमेशा बोलती हूँ, एवरीबॉडी मस्ट से आई बिग वंडर। आप यूं ही मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आज के लिए जय हिंद।